हेलो क्लास, आप सभी कैसे हो। वित्तपत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब हम अपने भाग चार में हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ प्रश्न करेंगे, बट अभी हम सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिसे हम IPSC कहते हैं, या एक तरह से नाम पद्धति है। हम कार्बन के यौगिकों का नामकरण करते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हो कि दिया हुआ यौगिक क्या है या उसका नाम क्या है। तो इसके लिए एक रूल्स है होते हैं, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं इस नाम पद्धति के लिए। तो आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि हमने एल्केन्स पढ़ा है क्लास 10th में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर CH4 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिथेन बोलते हैं। अगर इसमें से मैं एक H को निकाल दूं, बाहर कर दूं, तो ये बन जाता है CH3। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस समूह को क्या बोलेंगे वो देखते हैं। CH4 मिथेन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर निकालना, उसके बॉन्ड को बाहर नहीं निकालना है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ये वाला एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ हमने हाइड्रोजन को बाहर किया है, तो क्या होगा बच्चों, इसका नाम मिथेन से चेंज होके मिथाइल या मिथिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे इथेन से क्या हो जाएगा, वह एथिल हो जाएगा। आपको क्लियर है कि हम सिर्फ हाइड्रोजन को निकालेंगे, उसके आबंध को नहीं करेंगे। यहाँ पे आप आबंध देख सकते हो, यहाँ पे आप आबंध देख सकते हो। बचपन में क्या पढ़ा था, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, ये सभी हमें याद है। आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि हम मिथेन का फॉर्मूला क्या है, मिथेन का सूत्र क्या है, एथेन का अणुसूत्र क्या है। ये सब बहुत क्लियर से, बहुत अच्छे से सीख के इसको अच्छे से याद कर लेना, और ये आपको याद होगा। चलिए अब देखिए, मिथेन से हमने क्या बनाया था अभी, मिथाइल या मिथिल बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी कभी ME भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, यहाँ पे स्टार लगा दे रही हूँ। कभी कभी CH3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ME लिख देते हैं। ठीक उसी तरह जो अपना एथिल होता है उसको हम बोलते हैं C2H5, या उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ET लिख देते हैं, ET। ठीक है, क्लियर है, ET लिख देते हैं। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन, प्रोपेन पता है, CH3, CH2, CH3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। मान लो बच्चों कि हम जरा इसके बॉन्ड्स को दिखाते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों कि यहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यह स्थिति आ जाएगी। तो इस स्थिति में इसे प्रोपेन बोलेंगे, जी नहीं, इसे हम बोलेंगे प्रोपिल या प्रोपाइल, प्रोपिल बोलेंगे इसे। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपिल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी तो, अब जरा नंबर करते हैं, एक मिनट बच्चों, नंबर कर लेते हैं, 1, 2 और 3। मान लो कि हमने थर्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला तो प्रोपिल बना। अगर हम दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या स्थिति होगी हमारी, आइए देखते हैं। यहां भी तो हाइड्रोजन है, अगर हमने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो हमारी स्थिति में ये क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। बहुत अच्छे से याद रखना कि प्रोपेन से एक समूह की उत्पत्ति होती है जिसे हम प्रोपिल कहते हैं, और उसी प्रोपेन से अगर आप उसके दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो बनता है आइसोप्रोपिल। क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, हम आगे बढ़े। जी ठीक है, अब देखिए कि हमने यहाँ पे मतलब क्या किया कि जो सबसे लास्ट वाला कार्बन था, फर्स्ट बोलो या थर्ड बोलो, दोनों तो सेम ही है ना, दोनों तो सेम ही है, फर्स्ट से निकालो या थर्ड से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोपिल बनता है। लेकिन अगर सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर किया तो उसे हम बोलते हैं आइसो प्रोपिल। ठीक है बच्चों, आइसो प्रोपिल, यहाँ पे देखो इसका नामकरण किया गया है,
देखिए, हमने बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर किया है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन के बारे में भी जानते हैं हम, ब्यूटेन के बारे में भी जानते हैं। क्या जानते हैं ब्यूटेन के बारे में? आइए देखते हैं कि अगर मैंने ब्यूटेन को इस प्रकार लिखा, हमने ब्यूटेन को इस प्रकार लिखा, अब इस प्रकार लिखने के बाद अब हम जरा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। आप इतना तो समझ में आता है कि 1 और 4 नंबरिंग यहां से शुरू करो या वहां से, सेम ही आएगा। क्लियर है ना? नंबर 1 से स्टार्ट कर, दाएं साइड से शुरू करो या बाई साइड से, यहां तो सेम ही नंबर आएगा। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर किया, तो यह स्थिति आ गई। इस समूह को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं ब्यूटिल, इसे बोलते हैं ब्यूटेन से क्या आया, ब्यूटिल आया। अब क्या कर सकते हैं कि हम थर्ड कार्बन में से भी हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हैं। तो थर्ड कार्बन में से अगर हाइड्रोजन को बाहर करेंगे तो क्या स्थिति आएगी? अगर हमने थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर किया तो, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करो, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करो, तो क्या स्थिति आएगी बच्चों इसमें? इसमें आएगी, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से देखना, तो यहां पर ये स्थिति आएगी, यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा तो ये स्थिति आएगी। इस स्थिति को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। बच्चों, हमने बचपन में ब्यूटेन पढ़ा है और आइसो ब्यूटेन पढ़ा है, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन पढ़ा है। तो आइसो ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर याद आया किसी को? बोलो, सभी को याद आ गया होगा, किसे हम आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान होती है ब्यूटेन से, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे संरचना अलग होती है, तो इसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दूँ, तो इसकी स्थिति क्या होगी बताओ? इसकी स्थिति में एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और यह स्थिति आएगी। हमने एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया तो यह है, तो आइसोब्यूटेन से क्या आएगा? आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटेन से क्या आएगा? आइसोब्यूटिल, यहां लिख दीजिए, आइसोब्यूटेन से आएगा आइसोब्यूटिल। अब ये भी तो किया जा सकता है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अभी हमने आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल निकालना सीखा कि आइसोब्यूटिल कैसे निकालते हैं। अब जरा बच्चों जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है? जी हाँ, ये ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंट कहाँ पर है? डिफरेंट है यहाँ पर, ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना अलग है। अगर हम इस हाइड्रोजन को बाहर कर दे तो इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति में ये होगा कि CH3 और ऐसे करके ऊपर ये आबंध लगा देंगे और ये CH3 और या CH3 होगा। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस समूह को क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, इसे हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल। तो बच्चों क्या सीखा हमने कि ब्यूटेन से ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल बनता है, और वही आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल बनता है। अब यहां पर देखिए, ये कौन है अपना? ये पेंटेन है। ये कौन है? पेंटेन है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को बाहर करूं, यहां से हाइड्रोजन को बाहर करूं, तो क्या बनेगा? पेंटाइल, पेंटिल बनेगा। क्या बनेगा? जैसे प्रोपिल ब्यूटिल वैसी पेंटिल। और आपने न्यू पेंटेन के बारे में सुना था? न्यू पेंटेन के बारे में बच्चों, न्यू पेंटेन के बारे में सुना था? ये अपना कौन है? पेंटेन है। ये कौन है अपना? पेंटेन है। और ये कौन है? न्यू पेंटेन है। अब यहां पर अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर दूं तो बनेगा न्यू पेंटेन।
इसे आप अपने बुक पे देखिए, एनसीईआरटी की बुक बहुत बेस्ट होती है, उससे बेहतर कुछ नहीं और कहीं नहीं, तो वहाँ पर देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हम उसके सेपरेट वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।